आज हम देखने वाले 18 एक्साइटिंग सीक्रेट फीचर्स इन माइनक्राफ्ट 1.20। नंबर 1, पिगलिन अब उनका हेड ड्रॉप कर सकते हैं ज़ॉम्बी और स्केलेटन की तरह, और ये अदर मॉब हेड से काफी कूल है। वैसे इसको लेने का भी काफी सेम तरीका है भाई, यही भाई इसको ब्लो अप करके। वैसे हेड लेना इजी बात नहीं है। नंबर 2, वैसे मॉब हेड का एक कूल फीचर और आया है। देखो पिगलिन हेड को यहाँ पे रखना है और भाई ऐसे बटन दबाए तो सारे के सारे मॉब के आपको वॉइस सुनने मिलेंगे। ओ भाई, ओ भाई साहब, ये ओपी फीचर है भाई। एक और बार सुना देता हूँ भाई। ओ भाई साहब नाइस। वैसे आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 3, वेल क्या आप भी थक गए हो वही माइनक्राफ्ट के सेम मॉब पे राइड करके? तो आप इस कमांड की वजह से किसी भी मॉब पे राइड कर सकते हो। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा भाई, मैं इसके ऊपर राइड कर रहा हूँ, व्हाट द हेक। लेकिन एक बात है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा बेकार हुआ, बट एनीवेज। नंबर 4, वैसे इस अपडेट में मोजिंग ने ओपी फीचर ऐड किया है, ये आर्मर ट्रिम वाला अपडेट, लग रहा हूँ ना कूल। वैसे तुम इसको नेचुरल स्पॉन चेस्ट में फाइंड कर सकते हो। वेल ये ट्रिम 16 डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, और ये तुम्हें माइनक्राफ्ट के अलग अलग नेचुरल स्पॉन स्ट्रक्चर पे मिलेगी। वेल तुम इसे कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे मैंने लेदर के आर्मर पे नेदरराइट लगाया है ना, महंगी बातचीत। नंबर 5, वेल मोजेंग को लगा नेदरराइट ढूंढना बहुत इजी है, तो उन्होंने स्मिथिंग टेम्पलेट ऐड कर दिया। अब आप इसके बिना भाई नेदरराइट आर्मर अपग्रेड नहीं कर सकते, और ये हर बार एक टेम्पलेट लगेगा एक आर्मर को नेदरराइट का करने के लिए। वेल ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तुम इस चीज को डुप्लीकेट कर सकते हो इस रेसिपी का यूज करके, लेकिन तुम्हें हर बार 7 डायमंड लगेंगे, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार। नंबर 6, वेल तुम माइनक्राफ्ट की ये स्क्रीन जो रोटेट कर रही है उससे परेशान होते हो। वेल तुम उसको एक्सेप्टेबिलिटी सेटिंग से ऑफ कर सकते हो। वेल ऑफ क्या, तुम उसको कम भी कर सकते हो, जस्ट लाइक 43, तो हम ऑफ करके ही देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रोटेट होना बंद हो गई है, ये काफी लोग को अनोइंग करती है, बट मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, गेम अटक गई यार। नंबर 7, वेल 1.20 में सस्पिशियस ग्रेवल और सस्पिशियस सैंड एड हुई है। वेल तुम इससे काफी सारे आइटम ले सकते हो, बताता हूँ कैसे। वेल तुम्हें ये सैंड बेसिकली डेजर्ट टेम्पल में मिलेगी। ये देखो गाइस भाई, डायमंड, अरे डायमंड बोलो, एमरल निकल रहा है भाई, देखो भाई नाइस। और एक बार यूज होने पर ये नॉर्मल हो जाती है, बार बार यूज नहीं कर पाओगे। वेल ये सैंड तुम्हें डेजर्ट वेल में भी मिलेगी, और भी काफी स्ट्रक्चर पे ये मिलती है। नंबर 8, वेल तुम भी परेशान होते हो इस वैक्स से। वेल इसको मारना बहुत मुश्किल है भाई, और ये बहुत अनोइंग भी करते हैं, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वेल इनके हिट बॉक्स को बड़ा कर दिया गया है, तो ये थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा बहुत। नंबर 9, वेल ये माइनक्राफ्ट में न्यू चेरी वुड ऐड हुआ है, और ये न्यू यूनिक बैम्बू वुड भी। वेल ये बैम्बू ब्लॉक 9 बैम्बू से बनता है, और उससे ये बैम्बू प्लैंक है ना, एकदम ओपी। नंबर 10, वेल ये न्यू डेकोरेशन आइटम ऐड हुआ है, जिनका नाम डेकोरेटेड पॉड है। वेल ये उतने काम के नहीं है, लेकिन हाँ ये दिखते सही है, जिसको तुम 4 ब्रिक से सिंपली क्राफ्ट कर सकते हो। वेल इतने टाइप के पोटरी शार्ट्स भी आते हैं, जो नेचुरल स्पॉन अलग अलग स्ट्रक्चर पे मिलेंगे, और इनसे बेसिकली कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत टेक्सचर आ जाते हैं ये पोर्टेबल डेकोरेशन पॉट पे। वेल ये छूने पे ही टूट जाते यार, काफी सेटिस्फेक्शन साउंड था। नंबर 11, इस अपडेट की सबसे ओपी चीज चिजल बुक सेल्फ। वेल इसको तुम क्राफ्ट कर सकते हो वुड और स्लैब से, और सबसे ओपी बात, इसको तुम यूज कर सकते हो बुक को स्टोर करने के लिए, अनचेंटेड बुक भी स्टोर कर सकते हो, और बुक एंड क्विल भी, लग रहा है ना ओपी। और इसमें तुम अपनी रेयर बुक भी छिपा सकते हो, इसी बात पे सब्सक्राइब। नंबर 12, कैमल अभी तक का माइनक्राफ्ट का कूलेस्ट मॉब है, इस पे राइड करने के साथ साथ बहुत सारे एडवांटेज भी है भाई, इसके ऊपर राइड करने से कोई मॉब तुम्हें छू भी नहीं सकता, ये देखो भाई। और ये काफी लंबी जंप भी लगा सकता है, ये देखो, ये थोड़ा सीन हो गया, रुको रिटेक। ये देखो भाई, काफी लंबी जंप लगाता है कैमल, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है भाई, ये आलसी बहुत है, बात बात पे बैठ जाता है। ठीक है भाई, आलसी नहीं है, खड़ा हो गया एनीवेज। और हाँ यार, एक बात बताना, भूल गया कैमल के बारे में भाई, इस पे एक साथ 2 बंदे राइड कर सकते हैं, है ना, एकदम ओपी। नंबर 13, फाइनली गाइस, मोजेंग ने चेरी ग्रुप बायोम ऐड कर दी है। वेल ये भाई बहुत प्यारी बायोम है, और ये भाई छोटे फ्लावर्स काफी ओपी लग रहे हैं, जिसको पिंक पेटल्स बुलाते हैं, और ये ट्री काफी कूल पार्टिकल इफेक्ट भी देता है, बिल्कुल स्नो की तरह। और यही एक ऐसी बायोम है जहाँ पे बीज बहुत ज्यादा स्पॉन होती है, ये ओपी है भाई। वेल आपको ये बायोम कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 14, ये न्यू मॉब काफी ओपी और काफी कूल है। वेल ये नेचुरल स्पॉन नहीं होता, ये ओनली हैच होता है स्निपर एक्स से, और ये तुम्हें सस्पिशियस ग्रेवल और सैंड से ही मिलेगी, और ये बहुत रेयर है। वेल तुम इन्हें ब्रीड भी करा सकते हो टॉर्च फ्लावर सीड से, और ये अपना हेड ऐसे ग्राउंड में डालते हैं तो रेयर फ्लावर्स निकालते हैं, और ये इनसे ही मिलेंगे। और ये ऐसे 2 टाइप के फ्लावर निकालते हैं, टॉर्च फ्लावर और पिचर प्लांट। वेल तुम्हें लग रहा होगा टॉर्च फ्लावर ग्लो करेगा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। नंबर 15, वेल तुम इस अपडेट से पहले किसी भी कलर्ड वूल का कलर चेंज नहीं कर सकते,
सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। किसी भी कलर टूल का हम कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक जैसे ये पर्पल को हम भाई लाइट ब्लू करना चाहते हैं, ये इजीली हो जाएगी। और भाई बेड के साथ भी सेम हिसाब था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा भाई, इसको हम रेड बेड को पर्पल भी कर सकते हैं। वेल ये सही है। नंबर 16, वेल तुम अब माइनक्राफ्ट में इमोजीज टाइप कर सकते हो। वेल तुम परेशान हो गए उसी घटिया चैट से, तो भाई इस अपडेट में तुम लिटरली इमोजीज टाइप कर सकते हो। ये देखो भाई काफी कूल लग रहा है ये देखो भाई सारे ही टाइप के इमोजीज टाइप कर सकते हैं हम। ये मुझे सबसे कूल फीचर लगा। नंबर 17, वेल तुम 1.19 में एन्चेंटेड टेबल को डेकोरेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाई उसके लेवल कम हो जाते थे डेकोरेशन के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई। तुम कुछ भी प्लेस करो एन्चेंटेड टेबल के आसपास, लेवल कम नहीं होने वाला। भाई देखते कौन सी एन्चेंटमेंट मिलती है। बेन ऑफ हार्ट तो बस भाई। Anyways, नंबर 18, माइनक्राफ्ट में एक मिस्टीरियस डिस्क ऐड हुई है जो सिर्फ तुम्हें ऐसे ट्रूइंस रेंज पे मिलेगी, और ये स्ट्रक्चर सुपर रेयर है। नॉर्मल ये स्ट्रक्चर दिखता भी नहीं है, बेसिकली ये डिस्क सुपर रेयर हुई।